तो हेलो वेलकम गाइस, मेरा नाम है नमन और आप देख रहे हैं एंड्रॉयड। आज के अपने स्टूडियो में आपसे बात करने वाला हूं पोको F1 डिवाइस के लेटेस्ट कम्युनिटी फीडबैक के बारे में कि भैया इस हफ्ते पोको या शाओमी किन अपडेट्स पे काम करने वाली है या क्या बग फिक्सेस आने वाले हैं हमारे पोको F1 डिवाइस के लिए और किन चीज़ों पर ये काम कर रहे हैं बेसिकली। तो यहाँ पे ये वीकली मैं आपको अपडेट देता हूँ, पिछले एक दो हफ्ते से अपडेट नहीं दे पाया था तो उसके लिए सॉरी। तो यहाँ पे अब हम चलते हैं इनके पेज पे, इसका URL मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। तो यहाँ पे पोको फ़ोन के लिए, पोको F1 डिवाइस के लिए ऑफिशियल अनाउंसमेंट या लेटेस्ट फीडबैक दिया गया है। तो अब हम बात करते हैं वन बाय वन कि भैया क्या क्या फीचर्स हमको आगे मिलने वाले हैं, क्या क्या बग फिक्सेस मिलने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको इस टाइप की वीडियोज़ और देखनी है, और भी कमाल की वीडियोज़ देखनी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस कर देंगे तो और भी मज़ा आ जाएगा। ठीक है, तो अभी फिलहाल यहाँ पे बात करते हैं सबसे पहले जो अपडेट है उसके बारे में। यहाँ पे जब MIUI 10 आया था हमारे पोको F1 डिवाइस में तो स्टेटस बार में हमें नोटिफिकेशन आइकन्स देखने को मिल जाते थे, लेकिन वो सिर्फ एक दो सेकंड के लिए ही विजिबल होते थे, उसके बाद वो यहाँ से हट जाते थे। तो इसके बारे में है नोटिफिकेशन डिसमिस्ड फ्रॉम स्टेटस बार। तो इसके बारे में ये कह रहे हैं कि वी आर डिस्कसिंग अ सोल्यूशन टू इम्प्रूव नोटिफिकेशन आइकन बिहेवियर। तो यहाँ पे ये डिस्कस कर रहे हैं अपनी टीम से, सॉफ्टवेयर टीम से, कि भैया कुछ सोल्यूशन निकाला जा सके ताकि नोटिफिकेशन आइकन का जो बिहेवियर है थोड़ा सा चेंज किया जा सके, थोड़ा और ज़्यादा टाइम के लिए रोका जा सके स्टेटस बार में, या फिर स्टैटिकली उसको किसी तरह से रोक दिया जाए, वॉच यहाँ से जो वॉच दिख रही है, क्लॉक दिख रही है, उसे थोड़ा सा हटा के। तो देखते हैं कि क्या अपडेट इसके बारे में आता है, बट कुछ ना कुछ ज़रूर आएगा। और यहाँ पे दूसरा अपडेट है रॉन्ग बिहेवियर ऑफ ऑटो ब्राइटनेस दैट लीड्स टू डिस्प्ले फ्लिकर्स। तो रॉन्ग बिहेवियर था ऑटो ब्राइटनेस, जब आप टॉगल करके रखते थे अपने फ़ोन में तो उस टाइम पे कुछ डिस्प्ले में फ्लिकर्स देखने को मिलते थे अगर आप ऑटो ब्राइटनेस सेट करके रखते थे। तो उसके बारे में कह रहे हैं कि हमने ऑप्टिमाइज़ कर लिया है, ओपन बीटा में इसे डाल दिया है। तो ओपन बीटा अगर आप चाहें तो ट्राई कर सकते हैं और स्टेबल में भी आपको ये अपडेट बहुत जल्द देखने को मिल जाएगा। और तीसरा इशू ये है कि यहाँ पे कभी कभी जब हम वाईफाई को ऑफ़ कर देते थे तो सिम डेटा पे यानी कि मोबाइल डेटा पे हमारा फ़ोन ऑटोमेटिकली कनेक्ट नहीं होता था। तो ये भी कुछ लोगों के साथ बग था, हालांकि ये बग मैंने कभी फेस नहीं किया लेकिन कुछ लोगों को ये बग था। तो इसके बारे में भी कह रहे हैं कि इस प्रॉब्लम को एनालाइज़ किया जा रहा है, अभी फिक्स नहीं किया जा रहा है, अभी एनालाइज़ कर रहे हैं कि किस सिचुएशन में ऐसा इशू होता है या नहीं होता है। और साथ में यहाँ पे चौथा अपडेट है 4K 60 FPS रिकॉर्डिंग के बारे में, जिसके लिए कि आप में से बहुत सारे लोग वेट कर रहे होंगे। तो इसके बारे में यहाँ पे कहा गया है, देख सकते हैं, डेवलपमेंट डन रनिंग फाइनल टेस्ट। आपको मैं थोड़ा क्लोज दिखा देता हूँ, 4K 60 FPS हमारे पोको F1 डिवाइस में डेवलपमेंट डन हो चुकी है इसकी और रनिंग फाइनल टेस्ट यानी कि फाइनल टेस्ट में है और बहुत जल्द मोस्ट प्रॉब्ली ये बीटा यूजर्स को पहले देखने को मिलेगा और उसके बाद स्टेबल में भी बहुत जल्द आ जाएगा। तो 4K 60 FPS हमारे पोको F1 डिवाइस में बहुत ही जल्द आने वाला है, तो देखते हैं कब आता है। बाकी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप कितना एक्साइटेड हैं 4K 60 FPS के लिए अपने पोको F1 डिवाइस में। और साथ में यहाँ पे पांचवी अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों को इशू था कि ऐप्स जब शो करते हैं फुल स्क्रीन मोड में तो वहाँ पे इशू होता है कि बहुत सारे ऐप्स फुल स्क्रीन मोड में दिखते ही नहीं है, बहुत सारे ऐप्स फुल स्क्रीन में मतलब आधी स्क्रीन पे ही दिखते हैं यानी 16:9 के एस्पेक्ट रेशियो में ही दिखते हैं, तो बड़ा अजीब सा लगता है। तो इसके लिए यहाँ पे कहा गया है कि ओपन बीटा रिलीज कर दिया गया है जिसमें कि इसे फिक्स कर दिया गया है। यहाँ पे एक बटन दे दिया गया है, बटन ऐड कर दिया गया है नेविगेशन बार में जिससे कि आप डिस्प्ले मोड्स को चेंज कर सकें। तो ये भी ओपन बीटा वालों को पहले मिला है, अभी स्टेबल वालों को मिलने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, बट देखते हैं कितनी जल्दी ये अपडेट हमें मिल जाता है। और यहाँ पे जो सिक्स्थ अपडेट है वो है टच लैग एंड रॉन्ग टच इशू। तो भैया ये वाला इशू मैं भी फेस करता हूँ और आप में से बहुत सारे यूज़र्स फेस कर रहे होंगे अभी भी। तो इसके लिए भी ओपन बीटा रिलीज कर दी गई है, ये वाला फिक्स ओपन बीटा में आ चुका है। और उसके बाद क्या हुआ था कि चेंज को रोल बैक कर लिया गया था क्योंकि वहाँ पे एक क्रिटिकल बग मिल गया था स्टेबल वर्जन में। स्टेबल वर्जन में अपडेट दिया गया था लेकिन एक क्रिटिकल बग मिलने के कारण से वो अपडेट रोल बैक कर लिया गया था। लेकिन यहाँ पे कहा गया है कि वी विल रिलीज द फिक्स्ड वर्जन ASAP, यानी कि बहुत जल्द हमें इसका स्टेबल वर्जन देखने को मिल सकता है इसके फिक्स का। और तो ये हो गया छठवां अपडेट, अगर ये वाला इशू फिक्स कर देते हैं तो मुझे काफ़ी खुशी होगी। और साथ में यहाँ पे सेवन्थ अपडेट की अगर हम बात करते हैं तो सपोर्ट ऐप बैजेस विद नोटिफिकेशन काउंट। तो आप में से बहुत से लोग कह रहे थे कि ऐप बैजेस में नोटिफिकेशन काउंट भी दिखना चाहिए, तो इसके लिए बोल रहे हैं कि डेवलपिंग एंड इट विल रिलीज सून। तो भैया ये वाला फीचर भी डेवलपमेंट में है, अंडर डेवलपमेंट है और आपको ये फीचर भी देखने को मिल जाएगा ऐप बैजेस का यानी कि नोटिफिकेशन बैजेस का, बैजेस के काउंट का।
और साथ में यहाँ पे ओके गूगल डज नॉट वर्क इन सम सिनेरियोज़, तो भैया मेरे फ़ोन में तो अभी भी ओके गूगल वर्क नहीं कर रहा है। मैं MIUI 10 की ग्लोबल स्टेबल रोम पे हूँ 10.1.3 वाली में, लेकिन अभी भी ओके गूगल इसमें वर्क नहीं कर रहा है। लेकिन इन्होंने कहा है यहाँ पे कि वी हैव ऑलरेडी फाउंड एंड फिक्स्ड सम इश्यूज़ दैट मेक्स ओके गूगल नॉट वर्क प्रॉपरली। तो भैया मुझे तो नहीं लगा कि कोई फिक्स किया है, अभी तक मुझे इसका कोई फिक्स नहीं मिला है। बाकी यहाँ पे ये भी कहा गया है प्लीज़ पोको यूज़र शेयर अस इफ़ यू आर स्टिल हैविंग दिस प्रॉब्लम। तो गाइज आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि ओके गूगल आपके पोको F1 डिवाइस में प्रॉपरली वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। ओके गूगल हॉटवर्ड बोलने पे आपका फ़ोन रिस्पॉन्स करता है या नहीं करता। मेरा फ़ोन तो देखो तब से मैं चिल्ला रहा हूँ ओके गूगल कुछ भी नहीं रिस्पॉन्स कर रहा है। तो मैंने जबकि उसे ऑन कर रखा है, अगर आप में से कुछ लोग बोले कि भैया वॉइस वाले ऑप्शन में जाके ऑन करना है तो वो मैं ऑन कर चुका हूँ ऑलरेडी, तब भी वो इशू है। और साथ में यहाँ पे 9th अपडेट की अगर हम बात करते हैं, सपोर्ट रिकॉर्डिंग नेटिव साउंड व्हेन यूजिंग स्क्रीन रिकॉर्डर। तो आप में से बहुत से लोग होंगे जो गेम प्लेस को रिकॉर्ड करना चाहते होंगे नेटिव साउंड जो कि है, जो कि इंटरनल ऑडियो है, उसके साथ में स्क्रीन रिकॉर्डिंग के अंदर। तो इसके बारे में कहा गया है कि भैया डेवलपिंग, तो मतलब इसका भी अपडेट बनाया जा रहा है, इसका भी फिक्स बनाया जा रहा है। ये भी फीचर आपको बहुत जल्द देखने को मिल जाएगा आपके पोको F1 डिवाइस में। तो गाइस ये थे कुछ अपडेट्स जो कि इस हफ्ते के अपडेट थे, फीडबैक अपडेट थे ऑफिशियल पोको F1 डिवाइस के लिए। बाकी अगर आप चाहें तो पिछले वीक के भी अपडेट्स यहाँ पे पढ़ सकते हैं, पिछले वीक के वही सारे अपडेट्स हैं, देख सकते हैं। वाइडवैन L1 अभी भी बात चल रही है गूगल और क्वालकॉम से, मेरे ख्याल से पोको F2 लॉन्च हो जाएगा और ये बात ही चलती रहेगी। बट यहाँ पे कहा गया है कि ओपन बीटा रिलीज़ करेंगे Q4 में। Q4 तो भैया ख़त्म होने वाला है एकदम से 2018 का। तो ठीक है, आज के लिए बस यही था, यही अपडेट्स थे, वीकली अपडेट्स थे पोको F1 डिवाइस के लिए। बाकी अगर आपको कोई और बग्स फेस हो रहे हैं आपके पोको F1 डिवाइस में तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। बाकी अगर आप इस वाले न्यूज़ को पढ़ना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी अगर आपको कुछ और भी टाइप के वीडियोज़ देखने हैं मेरे चैनल पर तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको किस टाइप के वीडियोज़ देखने हैं मेरे चैनल पर, या किस टाइप के वीडियोज़ आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं पोको F1 डिवाइस से रिलेटेड, तो ताकि मैं भी कुछ आपको कमाल की वीडियोज़ बना के दे पाऊँ। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।